नमस्कार दोस्तों, मॉर्फिक पीसी नेटवर्क की एक और शानदार सी वीडियो में आपका स्वागत है। बेसिकली आज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे RTX के दो नए ग्राफिक्स कार्ड जो कि लैपटॉप्स में यूज किए जाएंगे, जिनका नाम है RTX 3050 Ti और RTX 3050। ये दो नए ग्राफिक्स कार्ड आने वाले 60,000 रुपीज के अराउंड जो लैपटॉप होने वाले हैं उनमें हमें देखने को मिलेंगे। इन ग्राफिक्स कार्ड के अंदर आप अच्छी खासी हाई क्वालिटी रे ट्रेसिंग और DLSS का एंजॉय कर पाएंगे, यानी कि रे ट्रेसिंग और DLSS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। कंपनी क्लेम कर रही है ये ग्राफिक्स कार्ड काफी ज्यादा स्लिम और लाइट वेट होने वाले हैं। कंपनी ने इनको कुछ गेम चेंजर नाम के टैग्स दिए हैं और ये आपको मॉडर्न गेम्स के अंदर कंसिस्टेंट 60+ FPS दिला सकती है। मॉडर्न गेम्स में आप इससे अच्छे खासे 60+ FPS इन ग्राफिक्स कार्ड से ले सकते हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ये अपने पुराने सेम आर्किटेक्चर एंड सेम एम्पियर आर्किटेक्चर पर बेस है। इनके आर्किटेक्चर में कोई भी चेंज नहीं किया है। RTX को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था आर्किटेक्चर के अंदर, जिससे कि हमें परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंक्रीमेंट और बूस्ट देखने को मिलता। काफी सारी मल्टीपल ब्रांड्स जैसे कि डेल, एलनवेयर, रेजर, MSI, लिनोवो, एसस, डेल, HP, इन सारे ब्रांड ने कोलैब किया है RTX से। और आने वाले अपने लैपटॉप्स के अंदर हमें ये दो नए ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इन ग्राफिक्स कार्ड के संग हमें इंटेल के 11th जनरेशन टाइगर लेक प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जो कि काफी ठीक सा ऑप्शन है। इंटेल के प्रोसेसर 11th जनरेशन प्रोसेसर 10th जनरेशन से तो ज्यादा बेस्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है हम बजट कैटेगरी के लैपटॉप्स के अंदर ये अच्छी खासी वैल्यू ऑफर करें। अगर हम RTX 3050 Ti की कुछ फीचर्स की बात करें, इसमें आपको 2560 CUDA कोर देखने को मिलते हैं, 80 टेंसर कोर देखने को मिलते हैं, स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर क्लस्टर का भी आपको इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिलता है। एज ऑफ नाउ नेक्स्ट 3050 की बात करें, उसमें आपको 2048 CUDA कोर देखने को मिलते हैं, 60 स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर क्लस्टर का भी इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन इसमें थोड़े से टेंसर कोर आपको एज ऑफ नाउ कम देखने को मिलते हैं 3050 Ti के मुकाबले, जिसमें कि आपको 64 टेंसर कोर देखने को मिलते हैं 3050 के अंदर। लेकिन यह तो क्लियर हो गया कि 3050 Ti 3050 से ज्यादा अच्छा होने वाला है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको 3050 Ti के अंदर मिलने वाली है। दोनों ही ग्राफिक्स कार्ड 4GB की GDDR6 VRAM से आने वाले हैं। अगर TDP की बात करें तो 35W से लेकर 80W तक OEM लैपटॉप्स के हमें देखने के अंदर मिलेंगे। ये लैपटॉप बेस्ट होने वाले हैं जो न्यू क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब वगैरह करते हैं, आर्टिस्ट के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको DLSS का सपोर्ट मिलते हैं, जिससे कि आप विजुअल इंप्रूवमेंट आपको काफी ज्यादा एनहेंस देखने को मिलेगा। गेमिंग के लिए बेस्ट जो रहेगा 3050 Ti रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको ज्यादा CUDA कोर देखने को और टेंसर कोर भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर क्लस्टर भी है और भी ज्यादा अच्छी आप इससे गेमिंग परफॉर्मेंस ले सकते हैं। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि अगर ये 60,000 रुपीज के अराउंड लैपटॉप के अंदर आते हैं तो काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि NVIDIA इसके अंदर AI पावर नॉइज रिमूवल का भी सपोर्ट देता है, यानी कि जो ग्राफिक्स कार्ड के जो फैन है वो ज्यादा नॉइज क्रिएट नहीं करेंगे, जिससे कि आप अच्छी खासी स्ट्रीमिंग कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इजीली यूज कर पाएंगे। तो कैसी रहे आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो, अगर आप ऐसे ही PC रिलेटेड कॉन्टेंट देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें मॉर्फिक PC नेटवर्क को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।